हेलो भाई, आज की वीडियो में हम एस प्रिंटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटा फंक्शन तो आपने जो है वो यूजली देखा होगा, हर एक को प्रिंटा फंक्शन का पता होता है। लेकिन यूजली मसला ये है कि एस प्रिंटा फंक्शन का बहुत कम लोगों को पता है कि एस प्रिंटा, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि एस प्रिंटा फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो जैसा कि हमने ये एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखी है, हम इसे रन करते हैं तो डेफिनेटली इधर सब्सक्राइब के आगे आ जाएगा 200 एंड लाइक के साथ आ जाएगा 200 जब हम इसे प्रिंट करेंगे। चलिए प्रिंट करके देख भी लेते हैं इसे हम आउटपुट स्क्रीन पे अपनी। तो ये देखें, यू कैन सी सब्सक्राइब 100 एंड लाइक इज 200। सो यू विल बी क्यूरियस, सो वट इज समथिंग स्पेशल विथ एस प्रिंट एफ। सो चलो देखते हैं, एस प्रिंट एफ से हम ये सिमिलर काम एस प्रिंट एफ से करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें एक करेक्टर एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका साइज हम रख लेते हैं 100। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो एस प्रिंट एफ फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग को एक एरे करेक्टर एरे में कॉपी करने के लिए यूज होता है। जैसा कि हमारा प्रिंट एफ फंक्शन हमें कंसोल पे, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे जो हम इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं वो डिस्प्ले करवाता है, सिमिलरली जो एस प्रिंट एफ फंक्शन है वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने की बजाय जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारी करेक्टर एरे में, जिसका जो हमने इधर डिक्लेयर किया है एक करेक्टर एरे है जिसका साइज 100 है, एक करेक्टर एरे में हमारी आउटपुट को स्टोर करता है। सो हम देखते हैं जरा हम इसे किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमने एरे का नाम लिख दिया एंड सेकंड आर्गुमेंट हम लिखेंगे वो एरे, ये सेम एरे ले लेते हैं सेम, मतलब कि प्रिंट करने सेम चीज प्रिंट करते हैं। सॉरी मैंने एरे कह दिया गलती से। सो एंड देन हम इधर लिखते हैं वैल्यूज 10 100, एक वही सेम ले लेते हैं 100 एंड 200। अब होगा क्या अगर हम इसे कमेंट कर दें पहले वाले प्रिंट एफ को और इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो लेट्स सी, आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, सो हुआ कि असल में ये जो पहले प्रिंट ऑफ फंक्शन हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा था, इसने सेम चीज जो कि हमें पहले प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे जो चीज डिस्प्ले हो रही थी वो सेम चीज कॉपी हो गई इस करेक्टर एरे में, और हम इस करेक्टर एरे को यूजिंग द सेम प्रिंट एफ फंक्शन, आप सोच रहे होंगे कि एक कैसी इंटरेस्टिंग चीज है कि यूजिंग द सेम प्रिंट एफ फंक्शन हम इस एरे को प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, बेसिकली ये एक करेक्टर एरे ऑफ करेक्टर्स है तो इसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज एस। सो इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, अब इंटरेस्टिंगली आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपने पहले देखी थी। देखें, सब्सक्राइब 100 एंड लाइक 200। सो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं जो एस प्रिंट एफ फंक्शन है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे या कंसोल पे कोई चीज प्रिंट करने की बजाय सेम चीज को हमारे जो एरे है करेक्टर एरे उसमें जो है वो स्टोर करते हैं। एंड देन वी कैन यूज दिस करेक्टर एरे। जैसे कि अब इस चीज का एडवांटेज ये है कि हमें ये इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय एक एरे का नाम लिखना पड़ेगा, एंड देन वी कैन प्रिंट इट इवन मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि अगर हम इस प्रिंट एफ को 2 3 बार जितनी बार भी प्रिंट करना चाहें तो हम इसे इजीली आसानी से, इधर हमें विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए सिलेक्शन भी लगा देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। तो इसको रन करते हैं, देखें आप वही चीज़ आपने हमने 3 बार प्रिंट कर ली।
यूजिंग करेक्टर एरे। सो ये कुछ कंट्रोल था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हम इस एरे को एलिमेंट बाय एलिमेंट भी, जो स्ट्रिंग हमारी है जो कि करेक्टर एरे में हमारी स्टोर हो गई है, इसे हम एलिमेंट बाय एलिमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी देखते हैं। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, हमें इस एक्चुअली स्ट्रिंग का जो कि ए आर आर करेक्टर एरे है, इसका जो है हमें वो साइज लेना पड़ेगा। सो हम यूज़ करेंगे साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ ए आर आर, ये अपने करेक्टर एरे का साइज लेंगे। इधर हम एक और इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एस नाम से, जिसमें हम इस करेक्टर एरे का साइज जो है वो स्टोर करा लेंगे, ठीक है। एंड देन हम एक फोर लूप रन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो अप टू साइज ऑफ द एरे, एंड उसमें हम इस एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट करेंगे। बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है, इट मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। सो हम इसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली आपको इसमें मज़े की बात यह कि जो हमारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं ये भी करेक्टर में टाइप कास्ट हो चुके होंगे, करेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे। स्लैश हम भी लगा लेते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इसमें क्या एरर है, आई आई ओके एक्सपेक्टेड ओके, हमने जो है वो सीधे सेमी कोलन मिस कर दिया था, सी लैंग्वेज का मोस्ट कॉमन एरर है। सो फिर ये देखिए देखें इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए आई थिंक साइज ऑफ फंक्शन के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। चले अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है या नहीं। एक्चुअली ये गार्बेज वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। सो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके ये तो ठीक है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेते हैं डिबगिंग के, और ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलें हम इसे परसेंटेज एस करके देखते हैं फिर क्या ये प्रिंट होता है नहीं होता। अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है गाइस आप बताएं, कमेंट में बताएं जिसको समझ आ रही है। आई थिंक इधर हमने एक और मिस्टेक की है, वो है रिटर्न जीरो की, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट की रिटर्न टाइप, मेन की रिटर्न टाइप इंट लिखी हुई है। सो अगर हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं कि ये हमें ठीक ठीक आउटपुट दिखाता है या नहीं। सो लेट्स रन इट वन मोर टाइम। नो देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस।